और फेंडर लाइनिंग ना होने की वजह से पूरा इंजन में कचरा जाता है। मतलब इतना अच्छे से मैं लगाया हूँ कि इतना अच्छे से किसी कोई मिस्त्री भी नहीं लगा पाता। और बाहर से भी देखिए तो एक फेंडर लाइनिंग लगाने का ओरिजिनल तरीका होता है, इसके अंदर से लग रहा है भैया 567 रुपए की ये प्लास्टिक है। तो टाटा का जो सामान है बहुत महंगा। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज जैसे कि आप देख रहे होंगे मेरी कार के बोनट में आपको क्या दिख रहा है, गाड़ी जब एक्सीडेंट हुई थी तो इसकी फेंडर लाइनिंग दोनों साइड की टूट गई थी। तो आज मैंने दोनों साइड की लेफ्ट और राइट की लेके आया टाटा की ओरिजिनल, ये काफी महंगी पड़ी है। और इसको लगाया कैसे जाता है उसका मैं आपको एक एक तरीका बताने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप प्राइस देख सकते हैं, देखिए असेंबली फ्रंट व्हील आर्च लाइनर ये अपने को 567 567 रुपए का एक मिला है। सेम प्राइसिंग इसकी भी है 567 रुपए। क्वालिटी देख सकते हैं, टाटा वाले भी ऐसे घटिया देते हैं और महंगा तो बहुत ज्यादा देते हैं। इसके साथ क्या स्क्रू लगेंगे, क्या बटन्स लगेगी, कहाँ कहाँ लगेगी, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। ये राइट साइड की हो गई, ये इधर लगेगी। अबे लगेगी कैसे, ऐसे ही देखता हूँ। टायर अगर निकालना पड़ेगा तो टायर निकालूंगा, अगर टायर बिना निकाले बन जाएगा तो बिना टायर निकाले लगा दूंगा। यहाँ पे जो दिख रहा है यहाँ पे तो इसके स्क्रू ही लगेंगे, यहाँ जहाँ जहाँ आपको ये क्लैंप्स दिख रहे होंगे यहाँ स्क्रू ही लगेंगे। बाकी यहाँ पे एक बटन लगेगी और एक यहाँ पे बोल्ट लगेंगे। ये देखिए यहाँ भी जगह दिया हुआ है, एक दो, तो इस पे करते हैं। बाकी यहाँ पे नॉइज बहुत ज्यादा है, संडे का दिन आज फिर से है तो संडे के दिन मैं फ्री रहता हूँ तो यहीं पे आ जाता हूँ, अपना काम वाम करता रहता हूँ। बाकी बहुत सी दुकानें बंद रहती हैं, बहुत सी दुकानें चालू रहती हैं संडे के दिन भी। इसके स्क्रू भी ले लिए हैं मैंने जो भी लगने वाले हैं। तो स्क्रू कौन से लगेंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए स्क्रू कोई ज्यादा लगने वाले नहीं है, ऐसे कुछ स्क्रू लगेंगे। ये देखिए ये बटन हो गई, ये स्क्रू हो गए। तो बहुत से लोग मतलब फेंडर लाइनिंग लगाते तो हैं लेकिन ढंग से नहीं लगाते, जिस वजह से जैसे गाड़ी गड्ढों पे कूदती है तो फेंडर लाइनिंग टूट जाती है और इतनी महंगी मिलती है कि इसको फिर लगाना दोबारा मुश्किल हो जाता है। मैं कितने मुश्किल से इसको लेके आया हूँ, मतलब कितने दिनों के बाद। तो एक चीज मैंने नोटिस किया, ये जो टायर लगा है इसकी वजह से ढंग से मतलब अच्छे से वहाँ हाथ पहुँच नहीं पा रहा है, तो मैं इसको निकाल देता हूँ। तो देख सकते हैं टायर को मैंने बाहर कर दिया और अभी पूरा इसके अंदर का सीन दिख रहा है बाहर। यहाँ सब साफ कर लेंगे, बहुत ही मिट्टी भरी हुई है इधर। और फेंडर लाइनिंग ना होने की वजह से पूरा इंजन में कचरा जाता है और बहुत गंदा दिखता है। तो देखिए यहाँ पे सब बना हुआ है, यहाँ स्क्रू लगेंगे, फेंडर लाइनिंग लगाने की तैयारी करते हैं अपन। यहाँ पे देख सकते हैं फेंडर लाइनिंग मैं लगाने लग गया हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दो बोल्ट दिखेंगे, ये वाले, ये जो बोल्ट दिख रहे हैं एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इन दोनों पे पहले इसके होल्स को मैच करना है। इसके बाद बहुत से लोग क्या करते हैं, ये जो भाग इसको कर देते हैं इसके ऊपर, इसके ऊपर नहीं करना है, इसके अंदर से करना, मैं आपको दिखाता हूँ। तो एक हाथ से उतना बन नहीं रहा है और जिधर ये वाला भाग रहता है पीछे रहता है, मतलब जब आप लगाने जाएंगे खुद से लगा सकते हैं, बाहर जब आप लगवाएंगे तो आपको ज़्यादा पैसे लगेंगे। मतलब एक फेंडर लाइनिंग कम से कम 100-150 रुपए ले सकते हैं, तो ये आप घर पे भी कर सकते हैं, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो अभी देखिए मैंने इसको एडजस्ट किया है, अभी ढंग से तो नहीं दिखा पाऊंगा मैं आपको, लेकिन एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो भाग है ये इसके अंदर रहेगा, इसके अंदर। बहुत से लोग क्या करते हैं इसके बाहर इसको कर देते और कर देते, ये पत्तियाँ इसी पे लगी रहेंगी और यहाँ से केवल आपको स्क्रू टाइट करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक बटन लगेगी, वो भी कैसे लगेगी वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो पहले इसको एडजस्ट करता हूँ और देखिए ये सब भाग अंदर ही रहेगा पूरा, ये दिखेगी भी नहीं और ढंग से लग भी जाएगी। ये जिधर रेट रहता है ये अपना पीछे रहेगा जैक के साइड, और जिधर ये ऐसे नॉर्मल से रहता है ये अंदर रहेगा। ये देखिए इधर भी ऐसे ही लगेगा, ये देखिए। अब बस केवल स्क्रू टाइट करना बाकी है, वो कहाँ कहाँ टाइट हो रहा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको इस बोल्ट से एडजस्ट कर देना, ये देखिए यहाँ पे बोल्ट है, ये दो बोल्ट 10-10 के मैं लगा दिए हैं, के बाद इसको फिर अंदर करके स्क्रू टाइट कर दूंगा। तो सबसे पहले इसको एडजस्ट करते हैं अपन, महंगा आइटम है कहीं टूट ना जाए इस वजह से मैं आपको ढंग से बता रहा, बाकी टूटने वाला ये प्रोडक्ट नहीं है क्योंकि बहुत ही फ्लेक्सिबल है और इसको मैंने अटका दिया है, देखिए बढ़िया से टाइट भी हो रहा है। देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ मैं लगाया हूँ, यहाँ पे देखिए दो बोल्ट मैंने लगा दिया इसके साथ, अभी बढ़िया टाइट हो गया, बासर के साथ मैंने लगाया है और यहाँ पे अब केवल स्क्रू टाइट करना बाकी है और इसके अंदर से जा रहा है, ये बाहर से दिखेगा भी नहीं, ये देखिए, और बाहर से बहुत ही शानदार लगेगा एक बार लग जाए। अब यहाँ पे स्क्रू टाइट करना है, स्क्रू कौन से वाले मैंने आपको शुरू में ही दिखाए थे, ये देखिए
ये वाले स्क्रू हैं, तो ये स्क्रू लग जाएंगे ऐसे और सब एक नंबर जो ऊपर से। तो पहली बार जब मैं एक बार और लगाया था, इससे पहले मैंने गलती कर दिया था लगाते समय, मेरे से बना नहीं था। और आपको मालूम होगा एक्सीडेंट होने के बाद क्या हुआ था मेरी गाड़ी में, ये फेंडर वगैरह सब मैंने दूसरा लगवाया था। हाँ, एक नंबर लग गया। अब देखिए अंदर से पूरा लगेगा, पूरा अंदर से उजाला कर मैं दिखा रहा। अब थोड़ा थोड़ा इसको ऐसे टाइट करता जाऊंगा, बहुत मतलब सिंपल लग जाएगा। देखिए कहीं भी कोई गैप नहीं, एक नंबर सब दिख रहा। और यहाँ पे पैसा भी दिख रहा भैया, 567 रुपए की ये प्लास्टिक है। तो टाटा का जो सामान है बहुत महंगा मिलता है, कुछ कुछ सामान बहुत महंगे, कुछ सामान बहुत सस्ते। अब यहाँ पे एक स्क्रू लगाऊंगा, यहाँ पे ऐसे एडजस्ट कर करके पूरे स्क्रू लगा दूंगा। तो काफ़ी मेहनत के बाद एक साइड की फेंडर लाइनिंग लग गई है। कैसे कैसे लगी है, कहाँ लगी है, एकदम एग्जैक्ट मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए आपको कहीं भी इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं दिखेगी। देखिए यहाँ पे 2 बोल्ट हो गए, ये परफेक्ट जगह पे है। और यहाँ पे एक स्क्रू, जैसे जहाँ जहाँ दिया है स्क्रू, ये देखिए पूरा अंदर से लगी है। यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्ब है यहाँ पे, क्योंकि पता नहीं ये कंपनी का मॉडल ही ऐसा है इस वजह से, बाकी हर जगह स्क्रू से टाइट है। ये देखिए, और ये नीचे भी एक स्क्रू इसमें लगा यहाँ पे। तो ये सब लगा के, और यहाँ पे देख सकते हैं एक बटन लगा दिया हूँ, तो ये कहीं अब जाने वाली नहीं, सब एकदम परफेक्ट हो चुका है। तो जैसे एक साइड की लगी है, इसी तरह उस साइड की भी लग जाएगी। तो उस साइड की लगाता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। देखिए बाहर से किसी प्रकार का कुछ दिख नहीं रहा है, और ये फेंडर लाइनिंग कहीं जाने वाली नहीं इतना इजली। ये देखिए, तो इसको लगा देने से क्या है, इंजन में किसी प्रकार का कचरा नहीं जाएगा। मतलब इतना अच्छे से मैं लगाया हूँ कि इतना अच्छे से किसी कोई मिस्त्री भी नहीं लगा पाता। तो चलिए दूसरे साइड का लगाते हैं। तो उस साइड की फेंडर लाइनिंग लग गई है, राइट साइड की। अभी लेफ्ट साइड की बारी है। तो टायर मैंने फिर से खोल लिया और लेफ्ट साइड की फेंडर लाइनिंग रखी है, उसको इंस्टॉल करते हैं। कैसे करेंगे वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। इसका एक बोल्ट टूटा हुआ है जो यहाँ पे रहता, 10 नंबर का, ये। तो इसको इंस्टॉल करते हैं। तो देख सकते हैं इसको अच्छे तरीके से मैंने फिट कर दिया। यहाँ पे इसकी बटन लग गई और जितने स्क्रू थे वो लगने थे लग गए। इस साइड का थोड़ा मेरा बम्पर खराब है, इस वजह से थोड़ा सा इधर फूला है, तो यहाँ पे गैप है, मतलब ऐसे दबा हुआ दिखता है। बाकी इस साइड से देखिए जितने स्क्रू हैं पूरे परफेक्ट तरीके से लग गए हैं। तो देखिए थोड़ा अंधेला भी हो रहा है क्योंकि शाम के बहुत टाइम हो गए गाड़ी में, और मैं बहुत कुछ काम करवा रहा हूँ, तो इतना कुछ हो गया है। अभी गाड़ी एक नंबर, टूट टूट गया भाई। हाँ, ये देख सकते हैं नीचे से भी एक बोल्ट लगता है यहाँ पे, उसको भी मैंने लगा दिया है। और बाहर से भी देखिए, तो एक फेंडर लाइनिंग लगाने का ओरिजिनल तरीका होता है, इसके अंदर से लगती है, बहुत से लोग इसके ऊपर से लगा देते हैं जो गड़बड़ हो जाती है फिर। तो गाड़ी में काम करते करते हो गई रात, क्योंकि मैं बहुत सारा काम करा रहा हूँ अपनी गाड़ी में। तो सबसे पहले तो मैं आपको फेंडर लाइनिंग दिखा देता कैसी लगी है रात में भी इसका पूरा, मतलब मैं अपने से लगाया हूँ खुद से, तो आपको दिखा देता हूँ। देखिए एकदम पूरा पेंच टू पेंच, जैसे पेंच लगते, ये देखिए ये उस तरह मैंने पूरा इसका फिटिंग किया है। कहीं भी मतलब आपको गलत फिटिंग नहीं दिखेगी। और बाहर से भी एक नंबर लुक, अभी आपको दिखाता इस साइड से। तो देखिए इस साइड को भी देखिए, एज टू एज फिटिंग। तो ऐसी कुछ होती है फेंडर लाइनिंग की फिटिंग, थोड़ा मेहनत तो जरूर इसमें लगता है, मतलब ऐसे खाली पीली हो नहीं जाएगा, बहुत टाइम लगता है। तो इस वजह से अपने को भी टाइम लगा, संडे का दिन था ऐसे ही चला गया। तो वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय।